हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि CUET का जो एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज ही से स्टार्ट होने वाला है, 2 अप्रैल से। और ऐसा बताया गया था UGC के द्वारा और NTA के द्वारा भी। इससे रिलेटेड एक एक पल की अपडेट ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर दे रहा है। कहाँ आपका फॉर्म आएगा, किस वेबसाइट पे? तो ये आपका वेबसाइट हो गया cuet.samarth.ac.in। अब इसमें अभी आपको क्या क्या काम की चीज़ें हैं, ठीक है? एप्लीकेशन विंडो टू ओपन सून एट cuet.samarth.ac.in, ये भी लिख रहा है। यहाँ पे लाइव अपडेट भी आ रहा है, तो आप भी इसको देख सकते हो खुद ब खुद। और ये 3:13 की अपडेट है, ठीक है? बट मेन जो आपके लिए है कि आपको क्या क्या रेडी रखना है, ठीक है? ये सब चीज़ें तो आप लोग देख लोगे, पढ़ लोगे, और हमने भी आपको बताया हुआ मेरे चैनल पे। आपको CUET का कोई भी एंट्रेंस की तैयारी करते हो, आप उसकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। डिफरेंट प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट विजिट करो और उस प्लेलिस्ट में आपके काम की जितनी वीडियोज़ हैं देखो, क्योंकि अब टाइम नहीं है, 3 से 4 महीने ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? और इस 3-4 महीने में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, रिजल्ट, काउंसलिंग, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? तो शाम में 7 बजे की क्लास जरूर ज्वाइन करिए। NCERT की क्लास हमारी GKGS की आएगी और साथ ही साथ लूसेंट की भी क्लास आने वाली है। सब चीज़ रिवाइज करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है? सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे, ये ध्यान रखना आपको। तो ये आपका क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट, स्कैंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप रख लेना, मतलब कि फोटोग्राफ जो है वो स्कैन किया हुआ JPG फॉर्मेट में वो भेज देते हैं। या तो आप अपने से भर रहे हो तो ऐसे भरोगे, अदरवाइज आप मोबाइल से खींच के भी pixresize.com पे प्रोसेस है। अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं बता दूंगा, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन जो आपको मिलेगा वो आपको, ठीक है, भर सकते हो आप इजीली। स्कैंड इमेज ऑफ सिग्नेचर, स्कैंड इमेज मतलब जो सिग्नेचर आप करते होगे। एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो इसमें दोगे वो एकदम से ऐसा मत देना कि आज वो मोबाइल आपके पास है, कल को अमेरिका चला जाए। ऐसा बहुत दिक्कत हुआ यार, और बाद में कोई कुछ नहीं कर पाता है, ये आपका पर्सनल मैटर हो जाता है। और बोर्ड सिर्फ उसी का मानती है या एडमिट कार्ड उसका निकल पाता है जिसके पास क्रीडेंशियल हो, माने कि ये सब चीज़ें हों। अगर नहीं है तो कोई आपका हेल्प नहीं कर पाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो रख लेना। आईडी कार्ड में आधार कार्ड रखो, ज़्यादा ईजी रहता है। ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी रख सकते हो, बट आधार कार्ड रखो, सबके लिए ईजी रहता है। आधार कार्ड का नंबर कोई किसी को सो उसमें नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आप ले करके तब निकलना एग्ज़ाम की तैयारी करने, क्योंकि देखो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, इतना तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा कोई छूटता है तो वो उसके लिए टाइम देते हैं, बट इतना लेकर के ही आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें थी। फॉर्म जैसे ही रिलीज होगा हम आपको बताएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ। सब्सक्राइब जरूर करिए एक एक पल की अपडेट के लिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए।